हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय चैनल सिंपल लाइफस्टाइल विद वर्णिका। कैसे हो आप सब? आज आप सोच रहे होगे ना कि मैं गुड आफ्टरनून क्यों बोल रही हूँ। तो मैं इसलिए गुड आफ्टरनून बोल रही हूँ क्योंकि आज मैंने अपना व्लॉग दिन से शुरू किया है, क्योंकि मॉर्निंग में आज था मंडे और मॉर्निंग में मेरे हस्बैंड को जाना था ऑफिस, वो ऑफिस वगैरह गए थे। मैं अर्ली मॉर्निंग ही उठ गई थी, मैंने घर का काफ़ी काम किया और फिर मैं थोड़ा सा लंच वगैरह बना के पापा को खाना वाना खिला के उस बार मैं थोड़ा सा रेस्ट कर ली। तो उस समय मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अभी थोड़ा सा रेस्ट करके फिर मैं ब्लॉग बनाती हूँ। तो अब मैं उठ गई हूँ, अपनी बेटी को दूध वगैरह दे दिया है, वो नीचे गई हुई है, तो मैं बैठी हूँ। मैंने कहा लाओ अब थोड़ा सा ब्लॉग बनाती हूँ। आज मैं फाइनली एक से डेढ़ हफ्ते बाद प्रॉपरली डेली रूटीन वाला व्लॉग स्टार्ट किया, क्योंकि बाहर गई थी, फिर वहाँ का शूट किया, फिर घर पे आने के बाद वो सब अपलोड वगैरह कर रही थी, तो डेली रूटीन का ब्लॉग ही नहीं शूट कर पाई। आज मैं फ्री हो गई हूँ, हस्बैंड चले गए हैं और इस समय मैं फ्री हूँ, और तो मैंने सोचा अब मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं यहाँ पे क्यों वीडियो बना रही हूँ, हमेशा तो अपने बेड पे बैठ के बनाती थी। लेकिन पता है मुझे क्या है ना, अपने रूम में ही वीडियो बनाना ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। अगर मैं बातें वगैरह कर रही हूँ या फिर कुछ भी अपलोड कर रही हूँ, तो सब कुछ मैं अपने रूम में ही बैठ के करती हूँ। तो आज मैंने ये देखिए मेरे पीछे, आप लोग कभी कभी वीडियो में देखे होंगे, ये देखे मैंने आज यहाँ पे कर्टन्स लगवा लिया है, क्योंकि पता है यहाँ पे अलमीरा थी और कबर्ड अभी लग नहीं पाया यहाँ पे। और चाहे जितना भी इसको सही कर लो, चाहे डेकोरेट कर लो, चाहे सारी चीज़ अरेंज करके अच्छे से रख दो, बट ये फिर भी उतना ही मैसी लगता था। मैंने सोचा कि जब तक यहाँ पे कबर्ड वगैरह लग नहीं रहा है तो लो इसको यहाँ पे कर्टन्स ही डाल दूँ। तो मैंने यहाँ पे कर्टन्स डालने के लिए एक कारपेंटर को बुलाया था, वो अर्बन क्लैप से ही बुक कर दिया था। उन लोग को बुलाने से क्या होता है ना, तो काफ़ी हाइजेनिक रहता है, तो उन लोग की सेफ्टी भी रहती है उन लोगों से। तो मैं उन लोग को बुला ली थी, तो उन लोग से ये लगवा लिया है मैंने यहाँ पे, ये देखिए। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि बिना कर्टेंस के ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि कर्टेंस लगने के बाद ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बताइएगा ज़रूर। तो चलिए देखती हूँ आगे क्या है, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। और हाँ, प्लीज़ 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 मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों से, जो मेरे चैनल पे न्यू है या फिर जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो प्लीज़ यार मेरे चैनल पे 1K सब्सक्राइबर जल्दी से पूरा कर दीजिए और मेरे चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। ये कारपेंटर को मैंने बुलाया था अर्बन क्लैब से, ये आ गए थे, तो मैंने यहाँ पे ये कर्टन्स के लिए ड्रिल करवा के लगवा लिया है। तो आप लोग बताइएगा कि ऐसे अच्छा लग रहा है कि कर्टन्स के साथ अच्छा लग रहा है। और इसके बाद जो मैंने वीडियो ऐड करी है वो आज की वीडियो नहीं है, वो संडे की वीडियो है, क्योंकि संडे को मैंने ब्लॉग बनाना नहीं स्टार्ट किया था, तो मंडे को मैं सोची थी कि बनाऊंगी तो उसमें ये वीडियो ऐड कर लूँगी। आज मेरे साथ होने जा रहा है एक बहुत बड़ा चैलेंज, हुआ क्या कि आज इनका मूड हो गया कि चलो मैं तुम्हें गाड़ी सिखाता हूँ, तो आज मैं जा रही हूँ कार सीखने। देखिए क्या होता है, डर भी लग रहा है। एक्चुअली क्या है कि मैंने थोड़ा बहुत चलाई है बट प्रैक्टिस बिल्कुल भी छूट गई है, और प्लस ऑन रोड मैं नहीं निकली हूँ लेके, तो आज फिर से मैं जा रही हूँ कार ड्राइव करने। देखिए क्या होता है, चला पाती हूँ कि नहीं पाती हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। तो चलिए देखते हैं कैसे चलाती हूँ मैं कार। और यहाँ पे मैंने चलाना स्टार्ट कर दिया है, थोड़ा बहुत आइडिया था बट ये होता है ना कि अगर प्रैक्टिस छूट गई तो फिर से वो चीज़ स्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा डर लगता है, और फिर जब स्टार्ट कर दो तो फिर लगता है बस अब शुरू कर दो कंटिन्यू चलाना। तो बहुत अच्छी फीलिंग भी बहुत अच्छी आ रही थी, बट हाँ ये था कि थोड़ा डर भी लग रहा था। और अगल बगल प्रॉब्लम ये हो गई कि अगल बगल हम लोगों ने बहुत ज़्यादा पार्क ढूंढे, कोई पार्क ऐसा ग्राउंड टाइप का कुछ भी नहीं मिला कि मैं अच्छे से वहाँ पर चला लूँ। तो एक जगह इन्होंने रोड देखा हुआ था शायद, वो रोड हम मुझे खाली मिली, तो क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था तो खाली रोड पे ही चलाना बेटर था, तो मैं यहाँ पे खाली रोड मिली, तो फिर वहाँ पे मैं करीब आधे घंटे तक मैंने इसे चलाया है।
और मैं सो के उठ गई थी तो नीचे गई चाय वगैरह बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ और देखिए मेरा फेस कैसे एकदम लग रहा है, कितना ज़्यादा सो के उठी हूँ। बट इतना ज़्यादा मैं सो ही नहीं थी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा फेस पे दिखता है ना, तो वही मेरे फेस पे भी दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ सो के उठने के बाद। वैसे भी लगता है कि बस सबसे पहले अगर इवनिंग है तो सबसे पहले चाय मिल जाए, तो मैं यहाँ पे चाय बना ले रही हूँ। और इधर देखिए बेटी का दूध रखा हुआ था तो मैं इसको भी गर्म कर ले रही हूँ, क्योंकि एक बार मॉर्निंग में गर्म कर लेती हूँ फिर शाम को भी इसको गर्म करना होता है मुझे, क्योंकि रात में ये पीती है। तो इसे गर्म कर ले रही हूँ मैं यहाँ पे। आज मेरा मूड कर गया कि लाओ मैं चाय में थोड़ा सा दालचीनी वगैरह डाल के बनाती हूँ। ऐसे ही थोड़ा सा मौसम अच्छा था तो थोड़ा मसालेदार चाय पीने का मन कर गया था, तो मैं आज दालचीनी वगैरह डाल के मैं चाय बनाई। और उसके बाद मैंने ये ओवन का कवर वगैरह धुला था, कुछ मतलब किचन के भी कपड़े थे तो उसको धुल दिया था, तो ये सूख गया है। तो मैं ला के यहाँ पे ओवन पे लगा दे रही हूँ, क्योंकि मेरा जो ओवन है ना गैस के बगल में है, तो अगर कुछ भी खाना वगैरह बनता है तो बहुत ज़्यादा इस पे छिट्टे वगैरह पड़ जाते हैं, तो इस पे कवर लगा के रखना मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। मैं इस पे कवर लगा दे रही हूँ, सारे सामान अच्छे से रख दूँगी। इसको अच्छे से मैं लगा ही रही थी कि उधर मेरी चाय भी गिरने वाली थी, तो मैंने इसको तुरंत स्लो किया, नहीं तो वो गिर जाती है और गैस फिर मेरी पूरी गंदी हो जाती है। गैस पे अगर कुछ भी गिर जाता है ना तो बहुत ज़्यादा गैस गंदी हो जाती है, इसलिए इसको अगर डेली साफ़ ना करो ना तो पक्का कुछ ना कुछ तो गिरते ही रहता है। तो इधर मैं ढक दे रही हूँ इसे और सारे सामान अरेंज कर दे रही हूँ इस पर लगा के। कुछ नहीं, थोड़ा सा फॉयल वगैरह रखा था तो बस वही रखना था मुझे, तो मैं रख दे रही हूँ। अदरक मैं यहाँ बगल में ही रखती हूँ, क्योंकि चाय के बगल में ही अदरक रहता है ना तो तुरंत डालने में सही रहता है, तो वहीं पे रख दे रही हूँ। और एक तरफ मेरी बेटी का दूध भी बॉयल हो रहा है, मैं चाय और दूध बॉयल कर रही थी तो मेरा मन कर गया। मैंने पापा से पूछा कुछ खाएंगे, तो पापा कहे कुछ भी बना लो। तो बारिश हो रही थी, बारिश वगैरह होती है, मौसम अच्छा रहता है तो कुछ भी लगता है कि पकौड़ी या फिर कुछ गर्मा गर्म मिल जाए तो अच्छा लगता है। तो मेरे पास पकौड़ी तो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है, तो मैंने नहीं बनाया। ये पापड़ चिप्स वगैरह रखा था तो मैंने कहा लॉ इसे फ्राई कर दूँ, और बेटी को भी मेरे जो है चिप्स बहुत ज़्यादा पसंद है, मैंने कहा लॉ इसे फ्राई कर देती हूँ, सब लोग खा लेंगे। तो मैंने इसे फ्राई भी कर लिया है और यहाँ पे चाय में चीनी भी डाल दे रही हूँ। मैं लास्ट में चीनी डालती हूँ क्योंकि कभी कभी रहता है कि मैं निकाल लेती हूँ अपना, लेकिन ये था कि पापड़ चिप्स बना रहे हैं फ्राई कर रहे हैं तो लो चीनी थोड़ा सा डाल के हल्की मीठी कर लेती हूँ, फिर मैं चाय ले लेती हूँ। तो मेरा ऑयल थोड़ा थोड़ा गर्म हो गया था तो मैं थोड़ा सा डाल के देख रही थी कि अभी हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर मेरा ऑयल हो चुका है गर्म और मैं अब चलती हूँ पापड़ चिप्स फ्राई कर लेती हूँ। और इधर मैं फ्राई कर रही थी कि उधर अभी आप देखेंगे आगे लाइट चली जाती है। मेरा क्या हुआ है कि थोड़ा कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो किचन की जो लाइट है ना वो अगर लाइट जाती है तो सब चला जाता है। तो बनाते बनाते तब से लाइट भी चली गई, इसलिए उसके आगे की वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाई मैं। मैं फ्राई करके लाई और दी देखे, सब लोग बैठ के खा रहे हैं और बेटी को पोनी कहती रहेगी कर लो बेटा कर लो, नहीं करी तो नहीं करी लड़की, और ऐसे ही खा रही है। और इसके बाद आज मेरे क्या क्या होता है कि मंडे और फ्राइडे मार्केट लगती है, सब्ज़ी मार्केट लगती है, तो 2 दिन हफ्ते में यहाँ पे लगती है, तो सबको 2 दिन में ही लेना होता है। वैसे डेली आता है बेचने वाला लेकिन कोई लेता नहीं है ये मार्केट, जब वीकेंड 2 डेज़ मार्केट लगती है तो सब लोग वहीं से लेते हैं। और पापा भी देख रहे थे और पाखी है कि इतना ज़्यादा ज़िद्द करने लगी थी कि मुझे भी जाना है मुझे भी जाना है, तो मैंने कहा चलो अच्छा ठीक है, बहुत ज़्यादा रो रही है, मास्क वगैरह लगाते थे थोड़ा सा ऐसे ही घूम लेगी, तो ज़बरदस्ती देख के बाहर गई है घूमने यहाँ पे, क्योंकि अपने बाबा की तो बात मानती नहीं है, जानती है कि मम्मा तो मेरी बात पूरी करेंगी नहीं, कुछ भी कह लो बाबा से चाहे जितनी ज़िद्द कर लो बाबा तो मेरा पूरा कर ही देंगे, इनका कोई नहीं सुनता है, सिर्फ और सिर्फ इनके बाबा ही इनकी सारी बातें सुनते हैं। तो बाबा की अपनी उंगली पकड़ के देखे निकल दी है थोड़ी देर, तो बहुत ज़्यादा मैं बोल दी थी पहले ही कि बहुत ज़्यादा दूर मत ले जाइएगा क्योंकि भीड़ भाड़ होगी, मार्केट है इधर, तो इधर ही निकल रही थी घूमने के लिए और हमसे बाय करके हमको चिढ़ा रही थी कि मम्मा मैं जा रही हूँ घूमने, मम्मा मैं जा रही हूँ घूमने, तो ये जा रही थी मुझसे बाय करके। देखिए पापा और पाकी थोड़ा सा घूम के आए तो वाटरमेलन शायद इन लोग को मिल गया था, तो वहाँ से लेके आए थे, तो बेटी ज़िद्द करने लगी कि मुझे खाना है, उसे वाटरमेलन बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं उन्हें काट के दी और देखिए बिल्कुल भी काटने पर रेड नहीं निकला। मैंने कहा पता नहीं मीठा होगा कि नहीं होगा, लेकिन लाओ फिर भी काट देती हूँ, ये शांत तो हो जाएगी कम से कम।
तो मैं इसे काट के दी यहाँ पे, तो बहुत ही आराम से खा काट रही रही थी, हैं। थोड़ा सा प्लेट लेने के आ गई और देखिए पीछे से आके एक उठा ली। बर्दाश्त नहीं है लड़की को कि मम्मा काट के देगी और मैं बाद में खा लूँगी, तुरंत सब उसी समय। इसमें इसको मैं करना थोड़ा सा है। सॉल्ट डाल दूँगी, मेरा सॉल्ट इसमें ख़त्म हो गया था, मुझे भरना था, तो मैंने कहा लाओ ऐसे खोल के ही डाल देती हूँ, और मैंने अपना भी लगा लिया था। अब मैं हम लोग ये देखे खा रहे हैं, और मैंने पापा और पाकी का साथ में दिया था, लेकिन पापा का भी हिस्सा लेके बैठ गई है, कह रही नहीं मुझे सब खाना है, सब खाना है, मैं नहीं दूंगी बाबा को। देखिए सब लेके बैठी हुई है यहाँ पे। वाटरमेलन खा लिया, उसके बाद मैं आ गई किचन में। ये था कि जल्दी से खाना वगैरह बना के चलते हैं ऊपर, थोड़ा टीवी वगैरह देखते हैं। तो पापा यहाँ पे आलू बैंगन की सब्ज़ी वगैरह काट दिए थे, तो मैं आलू बैंगन की सब्ज़ी यहाँ पे बना रही हूँ। मैंने यहाँ पे लहसुन मिर्चा काट रही हूँ, उसके बाद इसका तड़का देके तब मैं आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो मैं यहाँ पे बना ले रही हूँ। मेरा यहाँ पे कढ़ाई में ऑयल रखा हुआ था, जो मैंने अभी चिप्स पापड़ फ्राई किया था, उसको मैंने निकाल लिया है और इसमें अलग से ऑयल डाल दिया है। इसमें मुझे कुछ ज़्यादा लग रहा था, मैंने और निकाल दिया इसमें ऑयल, और इसका मैं तड़का दे दे रही हूँ। और इधर मेरे रस्क खुले हुए रखे थे, तो मैंने कहा कि लो इसे एक डिब्बे में अच्छे से भर देती हूँ। तो उस डिब्बे में मैं सुबह पाकी को मैंने रस दिया था, तो वो खुला ही रह गया था, तो उसको मैं डिब्बे में अलग से भर के रख दे रही हूँ। और इधर सब्जी हो रही थी, और फिर मैंने आटा कहा कि लो मैं आटा गूँथ लेती हूँ, आटा गूँथने के बाद मैं रोटी सेक के तैयार कर लेती हूँ खाना। तो मैं यहाँ पे आटा गूँथ ले रही हूँ जल्दी आटा गुत्ते गुत्ते फिर से हमारा और पापा का एक बार चाय पीने का मन हो गया था। तो मैंने पूछा पापा चाय पियेंगे, तो पापा ने कहा हाँ ठीक है बना लो पी लेंगे। तो मैंने फिर से एक बार चाय बना लिया यहाँ पे। था मौसम अच्छा रहता है, तो चाहे जितनी बार चाय बना लो कोई दिक्कत नहीं होता है। वैसे भी थोड़ा चाय हम लोग को ज़्यादा ही पसंद है, तो मैं यहाँ पर चाय बना ले रही हूँ। और एक साइड में मेरी चाय भी पक रही है, और मैंने देखा कि सब्ज़ी भी कुछ कुछ हो गई है, तो मैंने कहा कि एक लो एक बार चला देती हूँ इसे। मैं यहाँ एक बार सब्ज़ी भी चला दे रही हूँ, और सबसे लास्ट में मैं डालती हूँ इसमें सॉल्ट। इधर सब्ज़ी हो रही है, और फिर मैंने
यहाँ पे चाय छान लिया है। चाय छान के मैं और पापा जा रहे हैं साथ में चाय पीने। तो गर्मी रहती है तो बहुत ज़्यादा चाय पीने का मन नहीं करता है, लेकिन हाँ कि कभी कभी मौसम अच्छा रहता है तो चाय पीने का दो दो तीन तीन बार मन कर जाता है, मेरा तो कर जाता है। और पता नहीं और सबका क्या है, करता है कि नहीं करता है। मैं चाय पी के आ गई हूँ और इसके बाद मैं जा रही हूँ फटाफट रोटी सेक लेने। पता है क्या है कि मुझे ना रोटी सेकना बहुत ही अच्छा लगता है। पता नहीं कैसे लोगों को लगता है कि अगर रोटी सेकने के कह दो तो लगता है कितना बड़ा बवाल हो गया है, रोटी मत सेकवाओ। और मेरे अंदर कभी ये चीज़ आया ही नहीं। मुझे रोटी सेकना शुरू से बहुत पसंद था। मुझे कभी भी कहीं पे भी कितनी भी रोटी सेकने के कह दो तो मुझे रोटी सेकने में कभी आलस नहीं लगता है। मैंने देखा है बहुत लोगों को क्या होता है कि अगर रोटी सेकने के कह दो लगता है अरे बाप रे बाप ये क्या हो गया। तो मुझे रोटी सेकना अच्छा लगता है और मैं रोटी भी बहुत अच्छी अच्छी बना लेती हूँ, सेक लेती हूँ। मैंने सारी रोटी सेक लिया है और एक लास्ट में छोड़ दिया और फिर बर्तन इसको धुलने के लिए डाल दिया है और फर्श वगैरह इसकी क्लीन कर लिया है। वैसे तो मॉर्निंग में सारी फर्श वगैरह सब क्लीन करती हूँ, लेकिन एक बार होता है कि मैं क्लीन कर लूँ लास्ट में। और मेरा ये नीचे चावल रखा हुआ था, मैं ये दूसरे डिब्बे में भर रही हूँ क्योंकि जो इसके डिब्बे का ऊपर वाला ढक्कन था ना वो टूट गया था, तो चावल ख़राब होने का डर था। और मैंने कहा लो इसमें फ़िल कर लेती हूँ, तो इसमें फ़िल करके मैं इसको ऊपर रख लूँगी। और अब हम लोग, मैं और पापा तो खाना खा के नीचे से आ गए ऊपर। बेटी सो गई थी अचानक, मतलब दिन में सो ही नहीं थी तो वो शाम को सो गई थी, तो उसको मैं उठा के अब खाना खिला रही हूँ। इतना नाटक कर रही थी, लेट लेट जा रही थी बार बार। मैं कह रही थी खा लो मुझे ये नहीं खाना वो नहीं खाना, किस तरह डांट डांट के तो मैं इसे खाना खिलाई हूँ। रात के 12:20 हो रहे हैं, ये देखिए टाइम, इस समय 12:20 रात के हो रहे हैं और मैं अभी एडिटिंग ही कर रही थी। तो मैंने सोचा कि लो चलो अब ब्लॉग की एंडिंग करती हूँ, तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। कल नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ मिलती हूँ। बाय बाय, गुड नाइट।